मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज डेट है हमारी 25 जुलाई। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 8 एक्सरसाइज 1 का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप ट्राई करना, मेरी एक वीडियो में भी आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका ऐड, किस किस को ऐड करना है? 4AB - 7AB - 10AB। देखो 4AB + -7AB + -10AB, ये प्लस कहाँ से आया? क्योंकि हमें ऐड करना था। 4AB + -7AB + -10AB, यहाँ तक कोई डाउट है? क्या होगा आगे? 4AB - - प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का? माइनस का। -17AB, यहाँ तक कोई डाउट है? प्लस माइनस माइनस, साइन किसका? बड़े वाले का। क्या आ जाएगा? 13AB। 17 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया आपका? 13। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपको बोल रहा है ऐड करना है। ऐड है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका, वो है आपका 7x + 4 3x - 5। ऐड करेंगे 7x + 4 + 3x - 5। वैसे तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा, प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया। देखो लाइक टर्म ये दोनों हैं, मतलब 7x और 3x ऐड होंगे, प्लस का 4 और माइनस का 5। 7x 3x को ऐड करोगे तो कितने x हो गए? 10x, और प्लस माइनस माइनस साइन किसका? बड़े वाले का। ये क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 है आपका सब्ट्रैक्शन, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 में 7xyz फ्रॉम -3xyz। देखो फ्रॉम के आगे जो लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं -3xyz, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस 7xyz। क्लियर है? मैंने आपको एक असाइनमेंट कराया था, उसमें आपको बताया था कि कॉमन लेते हैं, चाहे तो आप कॉमन लेके कर लो, xyz कॉमन आ गया। यहाँ क्या है? -3, यहाँ पे क्या है? -7। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस करोगे तो क्या आएगा? 10xyz। क्लियर है? चाहे तो आप कॉमन लेके कर लो, चाहे आप डायरेक्ट कर लेते, -3xyz - 7xyz, माइनस माइनस प्लस हो गया 10, और साइन किसका? माइनस का। ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है आपको सॉल्व करना है, बीच में सिंबल किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का। 3xy² - 5xyz। देखो नंबर मल्टीप्लाई होंगे नंबर से, मतलब 3 × 5। फिर x वाला वेरिएबल x से मल्टीप्लाई होगा, x × x। फिर y² वाला वेरिएबल y से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या होगा? z। क्लियर है? 3 × 5 = 15, मल्टीप्लाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी? ऐड। ये चीज़ हम एक्सपोनेंट में कर चुके, मल्टीप्लाई y² × y, क्या हो जाएगी? y की पावर 3, यहाँ की पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर क्या होगी? ऐड। और मल्टीप्लाई में क्या है? z। मतलब आंसर क्या हो गया? 15x² y³ z। ये क्या है आपका आंसर। ये क्वेश्चन था आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन 9 है आपका 2x² + y। देखो 2x को अंदर लेके गए, 2 मल्टीप्लाई है अगर वेरिएबल है और ब्रैकेट है तो बीच में सिंबल किस चीज़ का है? मल्टीप्लाई का। 2x अंदर गया, 2x × x² एक बार इसके पास जाएगा, फिर प्लस का सिंबल है प्लस, 2x × y, 2x किसके पास गया? y के पास। मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? 2x³, इसकी पावर क्या है? 1, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है पावर क्या होगी? ऐड। प्लस में 2xy, ये क्या है आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, ये दे रखा है आपको -23x - 5x + y। -23x जाएगा ब्रैकेट में अंदर, -23x × 5x। माइनस प्लस क्या होता है? -23x / y। यहाँ तक कोई डाउट है?
23 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो माइनस का 115 आएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और माइनस का 23xy। ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो डाउट सेशन में क्लियर करेंगे। आज आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन 1 to 10।